हेलो एवरीवन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 5। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 26/1/1930 को, ऑप्शन बी है 15/8/1947 को, ऑप्शन सी है 30/1/1948 को, ऑप्शन डी है 31/12/1950 को, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट आते हैं, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? आपके पास ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आते हैं, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भूला भाई देसाई, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? आपके पास ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मौलाना हसरत मोहानी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। और कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? तो 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। नेक्स्ट आते हैं, दांडी यात्रा की गई। आपके पास ऑप्शन है 1932 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी है 1930 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1930 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछते तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। नेक्स्ट आते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शन है वर्धा, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी है सेवाग्राम, ऑप्शन डी है साबरमती, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो शुरुआत कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? आपके पास ऑप्शन है चौकीदारी, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट कर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौकीदारी करके विरोध में। नेक्स्ट आते हैं, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? आपके पास ऑप्शन है 10 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 24 डेज 24 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो अभी बताया था मैंने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 24 दिन। नेक्स्ट आते हैं, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी है अली बंधु, ऑप्शन सी है अंसारी बंधु, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां ने। और खुदाई खिदमतकार को
किस नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। आपके पास ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन बी है हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन सी है अंग्रेजों से समझौते पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। और एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे आपको, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने कब किया था उन्होंने, सितंबर 1932 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आपके पास ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने तो भाग ही नहीं लिया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट आते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1930 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1932 में, ऑप्शन डी है 1933 में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1931 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछते तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तीसरा। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। दूसरा कब हुआ था, दूसरा आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरा कब से कब तक हुआ था, तो तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 से, पूछ सकते हैं एग्जाम में, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, दूसरे में भाग लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आपके पास ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है सभी में भाग लिया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई क्यों होगा, तो प्रथम में तो भाग ही नहीं लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट आते हैं, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था किस प्रश्न पर असफल रहा? आपके पास ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, ऑप्शन सी है सत्ता हस्तांतरण की तिथि, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? आपके पास ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी है मॉस्को, ऑप्शन सी है वाशिंगटन, ऑप्शन डी है टोक्यो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लंदन।
नेक्स्ट आते हैं, अरे भगवान, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सपड़ू, ऑप्शन डी है चिंतामणि। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी तेज बहादुर सपड़ू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेज बहादुर सपड़ू ने। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियंस के लिए, ऑप्शन डी है अछूतों के लिए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अछूतों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रमशः 74 व 79, ऑप्शन बी ए क्रमशः 71 व 147, ऑप्शन सी ए क्रमशः 78 एंड 80, ऑप्शन डी ए क्रमशः 78 और 69। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रमशः 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147। नेक्स्ट आते हैं, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी है राजाओं को विशेष अधिकार देना, ऑप्शन सी है द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट आते हैं, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है कार्यकारिणी कमेटी 1946। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिनियम, मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत का युद्ध में शरीक होना, ऑप्शन बी है गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, ऑप्शन डी है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी है राहुल संकृत्यान, ऑप्शन डी है यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वामी सहजानंद तो थे ही, इन्होंने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। कब? 1929 में स्वामी सहजानंद ने। कार्यानंद शर्मा भी थे, जुड़े थे, राहुल संकृत्यान भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी है नासिक में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है लाहौर में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना में। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1936 में, ऑप्शन बी है 1939 में,
ऑप्शन सी है 1942 में, ऑप्शन डी है 1945 में, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1936 में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदल के क्या किया गया था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जगह पे सभा कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन जी रंगा को, ऑप्शन बी है ई एम एस नंबूद्रीपाद को, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट आते हैं, 1942 जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट आते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी है बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी है 1930 के दशक में, ऑप्शन डी है 1920 के दशक में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। नेक्स्ट आते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीटी रणदेव, ऑप्शन बी है सत्यभक्त, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है एनएम जोशी। सही आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अच्छा, भारत ट्रेड अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1939 से 45, ऑप्शन बी है 1926 से 39, ऑप्शन सी है 1918 से 26, ऑप्शन डी है 1914 से 18। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1926 से 1939। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई कौन से साल में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन बी है 1934 में, ऑप्शन सी है 1937 में, ऑप्शन डी है 1939 में। सही आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, 1934 में। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी है किसान सभा, ऑप्शन सी है कांग्रेस समाजवादी, ऑप्शन डी है रायवादी। सही आंसर यहां पे क्या होगा, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी। और इस पार्टी की स्थापना किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट आते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सत्यभक्त, ऑप्शन सी है एम एन रॉय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगर ऑप्शन में आचार्य नरेंद्र देव दिया होता तो फिर ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जनवरी 1946 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी है मार्च 1946 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1946 में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अप्रैल 1946 में। और लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट आते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी है जे बी कृपलानी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस।
1938 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, और सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फिर 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने किसे हराया था, सीतारामैया को हराया था। लेकिन फिर गांधी जी थोड़े नाराज़ हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। और फिर नया अध्यक्ष कौन बना था, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन में, हालांकि जीत गए थे, इन्होंने हराया किसे था, पट्टाभि सीतारामैया को, तो गांधी जी ने थोड़ा ईगो पे ले लिया था, इन्होंने इसे अपनी हार बताया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। फिर वहाँ पे अध्यक्ष कौन बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुभाष चंद्र बोस जी की जगह पे नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1932 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1936 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं, इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, प्रतीक आईक्यू के नाम से, वहाँ पे जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय है उनके जितने भी वर्क है मैंने एक पीडीएफ में डाल रखा है। नेक्स्ट आते हैं, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन डी है भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सही आंसर क्या होगा, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1924 में, ऑप्शन बी है 1926 में, ऑप्शन सी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1929 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1927 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1927 में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आपके पास ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी है एंथोनी इडेन, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है हेराल्ड विल्सन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 तक। नेक्स्ट आते हैं, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है रहमत अली, ऑप्शन डी है खफीक खान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी रहमत अली ने। नाउ या नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, तो ऑप्शन सी रहमत अली ने। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष में। आपके पास ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1946 में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कौन से साल पारित किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1940 में, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया। आपके पास ऑप्शन है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है शौकत अली। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। अच्छा, यहाँ से दो चीज़ याद रखना है आपको, दो पॉइंट। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे,
तो उनका नाम है विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में पूछता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे और दूसरे कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। सर्वोदय का मतलब क्या हुआ? संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व उदय। सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। उदय का मतलब उत्थान। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट आते हैं किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपने क्रैशिंग बैंक था? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इस तरीके का डायलॉग कौन देता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने भी नहीं। तो एक्चुअली क्या था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था सबसे पहले हुआ कब था, आरंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। अच्छा सक्सेस क्यों नहीं हुआ था? तो ये नेतृत्वहीन आंदोलन था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इनमें से किसी ने भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी है 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1942। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 9 अगस्त 1942। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद एक सेट और बजेगा जो हमारा आखिरी सेट होगा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर एनी बेसेन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा एक क्वेश्चन और है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको करंट अफेयर का क्विज लगाना है अच्छे क्वेश्चन का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। नाम क्या है? प्रतीक आई क्यू से। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।